पटाक 30 सेकंड में हर खबर, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। मुकेश अंबानी और गौतम अडानी दोनों की गिनती देश के दिग्गज कारोबारियों में होती है। मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर हैं और गौतम अडानी दूसरे नंबर के रईस। इन दोनों ही कारोबारियों की संपत्ति के बीच फासला काफी कम हो गया है। रिलायंस के शेयर में गिरावट की वजह से मुकेश अंबानी की संपत्ति घटी है, जबकि गौतम अडानी की नेटवर्थ में इजाफा देखने को मिला है। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक 21 जनवरी 2022 को मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 94.2 अरब डॉलर यानी 7,754 करोड़ रुपए है, जबकि 20 जनवरी को अंबानी की संपत्ति 95.9 अरब डॉलर यानी 7,10,000 करोड़ रुपए थी। यानी एक दिन में मुकेश अंबानी की संपत्ति में 1.71 अरब डॉलर यानी 12,720 करोड़ रुपए की गिरावट देखने को मिली है। वहीं गौतम अडानी की संपत्ति 21 जनवरी को 89.5 अरब डॉलर यानी 6,65,790 करोड़ रुपए है। 20 जनवरी को गौतम अडानी की संपत्ति 89.1 अरब डॉलर यानी 6,60,000 करोड़ रुपए है। यानी एक दिन में गौतम अडानी की संपत्ति में 395 मिलियन डॉलर का उछाल देखने को मिला है। अब मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के बीच दौलत का फासला 4.7 अरब डॉलर यानी करीब 35,000 करोड़ रुपए का रह गया है। जिस रफ्तार से गौतम अडानी की दौलत में इजाफा देखने को मिल रहा है, उसे देखते हुए लगता है कि मुकेश अंबानी को दौलत के मामले में अडानी पीछे छोड़ सकते हैं। मुकेश अंबानी की दौलत में गिरावट रिलायंस के शेयरों में गिरावट की वजह से आई है। पिछले 5 दिन में रिलायंस का शेयर करीब 3% टूटा है। हालांकि रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन अडानी ग्रुप की 6 लिस्टेड कंपनियों के कुल मार्केट कैप से कहीं ज्यादा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैपिटल 16,77,000 करोड़ रुपए है, जबकि अडानी ग्रुप की 6 लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटल 11,16,000 करोड़ रुपए है। अडानी ग्रुप की कंपनियों में सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटल अडानी ग्रीन का है। अडानी ग्रीन का मार्केट कैपिटल 3,00,000 करोड़ रुपए के पार है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का कैलकुलेशन शेयर की मौजूदा कीमत से शेयरों की संख्या को गुणा करके किया जाता है। वहीं व्यक्ति या कॉरपोरेशन की संपत्ति में से देनदारी को घटाने के बाद आई वैल्यू को नेटवर्थ कहा जाता है। मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के फेवर एक और बात जाती है, वो है कि इस साल दुनिया के टॉप 15 रईसों में से सबसे ज्यादा कमाई गौतम अडानी ने की है। इस साल गौतम अडानी ने 13 अरब डॉलर यानी 96,707 करोड़ रुपए कमाए हैं। दूसरे नंबर पर मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी ने 4.24 अरब डॉलर यानी 31,541 करोड़ रुपए कमाए हैं। तीसरे नंबर पर है वॉरेन बफे। बफे ने 3.89 अरब डॉलर यानी 28,937 करोड़ रुपए कमाए हैं। इन तीनों कारोबारियों को छोड़कर इस साल ज्यादातर अरबपतियों ने अपनी दौलत गंवाई है। लेकिन जिस तेजी से गौतम अडानी की दौलत में इजाफा हो रहा है, हो सकता है कि वो जल्द ही मुकेश अंबानी की बराबरी कर लें।